पूरी दुनिया ड्रैगन के खिलाफ एकजुट हो गई है। प्रशांत महासागर में समर की तैयारी हो चुकी है। चार देशों ने मिलकर ड्रैगन की घेराबंदी कर दी है। ये आवाज शायद वर्ल्ड वॉर की मुनादी है। ये आवाज ड्रैगन को खुला संदेश है। ये आवाज जिनपिंग के खिलाफ एकजुटता की गवाही है। ये आवाज जिनपिंग के पीएलए को हैसियत दिखाने की तैयारी है। प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग के द्वीप गुआम से विश्व के चार देशों ने ड्रैगन के खिलाफ बिगुल फूंक दिया और युद्धाभ्यास किया। वैसे गुआम यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका के ही प्रशासनिक क्षेत्र में ही आता है। इस युद्धाभ्यास में अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया की नौसेना शामिल थी। मतलब ड्रैगन को पानी में डुबाकर मारने की तैयारी का रिहर्सल हो रहा है। ड्रिल के बारे में अमेरिकी नौसेना ने कहा कि प्रशांत महासागर में चार देशों के युद्धपोत पानी में इकट्ठे हुए। पैसिफिक वैनगार्ड के युद्धाभ्यास को आगे बढ़ाया। कुछ दिनों पहले ही प्रशांत महासागर में अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया ने ये युद्धाभ्यास किया था जो 31 दिन तक चला था। अमेरिकी नेवी ने कहा कि इस युद्धाभ्यास में 8 जहाज, 1500 से ज्यादा नेवी के जवान, एक पनडुब्बी और एक पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट भी शामिल थे। अभी ये युद्धाभ्यास आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा, लेकिन पिछले साल प्रशांत महासागर में जो युद्धाभ्यास हुआ था वो 11 दिनों तक चला था। इन चारों देशों ने अमेरिका की अगुवाई में ड्रैगन को खुला संदेश दे दिया है कि हम तैयार हैं समंदर में तुम्हारी औकात दिखाने के लिए, क्योंकि ड्रैगन हमेशा साउथ चाइना सी में विवाद करता रहता है। वहां भी समंदर के संसाधनों को हड़पने की चाल चलता रहता है। हालांकि अमेरिका वहां भी ड्रैगन को मात देने के लिए तैयार खड़ा है और अब प्रशांत महासागर में भी ट्रेलर दिखा दिया है कि अगर ड्रैगन नहीं माना तो पूरे एक्शन में फिल्म रिलीज होगी और ड्रैगन पानी भी नहीं मांगेगा और उससे जवाब देने और घेरने में जुट गए हैं। चीन की चालाक हरकतों पर लगाम लगाने के लिए भारत और अमेरिका ने मिलकर चीन को सबक सिखाने का ऐलान कर दिया है। भारत और चीन के बीच बढ़ रही तनातनी के बाद अमेरिका भारत के साथ पूरी तरह से खड़ा हो गया है। चीन की चालबाजियों का जवाब देने के लिए अमेरिका और भारत के बीच एक ऐसा समझौता होने जा रहा है जिसकी वजह से भारत की सैन्य ताकत में इजाफा होने वाला है। भारत और अमेरिका के बीच होने जा रहे इस बड़े सैन्य समझौते के बाद चीन के हर प्रोपेगेंडा को भारत की सेना पूरी मजबूती से नेस्तनाबूद कर पाएगी। दरअसल इस डील के तहत अमेरिका भारत को अत्याधुनिक ड्रोन मुहैया कराने जा रहा है। आधुनिक हथियारों से सुसज्जित ये ड्रोन भारतीय सेना की ताकत तो बढ़ाएंगे ही साथ चीन की हर चाल पर भी आघात करेंगे। भारत की समुद्री सीमाओं की रक्षा करने जा रहे ये ड्रोन किसी फाइटर जेट की तरह ही ताकतवर होंगे। ये ड्रोन हिंद महासागर में चीन और पाकिस्तान की कारस्तानियों पर भी नजर रखेंगे। दुनिया भर में साइबर सिक्योरिटी के लिए भी खतरा बन चुके चीन को उसकी औकात दिखाने के लिए जल्द ही भारत और अमेरिका साइबर सिक्योरिटी को लेकर भी एक अहम समझौता करने वाले हैं। दोनों देशों के बीच 5G टेलीकम्युनिकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना भी इस डील का हिस्सा होगा। ये समझौता चीन के हर तरह के साइबर अटैक से निपटने के लिए कारगर होगा। अमेरिका में 3 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव है। चुनाव से पहले ही दोनों देशों के बीच बेका यानी बेसिक एक्सचेंज ऑफ कोऑपरेशन एग्रीमेंट के तहत ये अहम डील डन होने वाली है, जहां इस डील के बाद भारत के साइबर सिस्टम की सिक्योरिटी को मजबूती मिलने जा रही है। ये समझौता ड्रैगन की जासूसी करने वाली हरकत पर भी रोक लगाएगी और जिनपिंग के जासूसी की बखिया उधेड़ देगी। भारत अमेरिका की गहरी दोस्ती के बीच होने वाले इस करार को देखकर ड्रैगन बेकरार हो उठा है। उसे इस बात का एहसास हो गया है कि अब वो किसी भी हाल में बच नहीं पाएगा और मौत के मुंह में जाएगा। फिक्र आपकी सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।